हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, अच्छे हो, मस्ती में हो। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीआईटी मिश्रा में आपको एडमिशन लेने के लिए किसी ब्रांच में कितना जेई मेन रैंक चाहिए, जेई मेन में कितना रैंक चाहिए, ठीक है। और एक एक ब्रांच को हम लोग बारी बारी से डिस्कस किए हैं, ठीक है। देखिए, अब उसको डिस्कस करने से पहले एक बात आप लोग से कहना चाहूंगा मैं कि जो भी लोग अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जेई और नीट के लिए डेली क्विज, टेस्ट और स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है। तो आप लोग जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो बीआईटी मिश्रा झारखंड की राजधानी कैपिटल रांची में है, ठीक है। और ये इंडिया का टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। इस कॉलेज का अगर प्लेसमेंट, अगर सीएससी और आईटी का प्लेसमेंट देख लो, सीएससी आईटी और ईसी का, तो इंडिया के जो टॉप 5 एनआईटीज है ना, उसके बराबर है इस कॉलेज का प्लेसमेंट बिल्कुल। तो ऐसा इसका फी जो है, आपको फी वाइज देखो तो ये फी वाइज भी अप्रोक्सीमेट आपके एनआईटी के बराबर ही है, ठीक है। फी भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इसका, 1.5 लाख पर ईयर है। अब बात करते हैं कि आपको किस ब्रांच में कितना जेई मेन रैंक चाहिए एडमिशन लेने के लिए, किस ब्रांच में कितना जेई मेन रैंक रिक्वायर्ड है। और हम लोग जो अभी डिस्कस किए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, क्योंकि इसका कारण है कि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम रैंक जो है इसका कितना जाता है, मैक्सिमम किस रैंक पे ये मिलता है, मतलब मैक्सिमम कितना रैंक आपको जाता है, कितना रैंक चाहिए है आपके पास जिसपे वो एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज में। तो देखिए, ये एक है अनरिजर्व ओपन, मतलब ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट, एक अनरिजर्व जो होम स्टेट है, मतलब जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनको कितना चाहिए, किस ब्रांच में कितना रैंक चाहिए एडमिशन लेने के लिए। देखिए, ये चीज एक ओपन है और क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो ओपन रैंक जस्ट ये बताने के लिए है कि आपको कितना इस पे ओपनिंग स्टार्ट हुआ था, मतलब जो राउंड ऑफ काउंसलिंग चलता है तो हर राउंड में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होता है। तो देखो, किस राउंड में कितना पे ये ओपन हुआ, ओपनिंग रैंक का मतलब ये नहीं है कि उस रैंक वाला स्टूडेंट जो इस कॉलेज में एडमिशन लिया ही होगा। हाँ, क्लोजिंग रैंक का ये जरूर मतलब है इस कॉलेज वो रैंक वाला स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सीएससी। देखो, सीएससी का जो देख सकते हो ओपनिंग रैंक था कितना, 2980, मतलब आप देख सकते हो कि इस कॉलेज का सीएससी कितना अच्छा है कि इसका कट ऑफ 2980 गया है, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग रैंक है, इसका क्लोजिंग रैंक है मतलब मैक्सिमम रैंक जो इस कॉलेज, मतलब इस ब्रांच में सीएससी में चाहिए ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट के लिए, वो था 10,779, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए था। अब देखो, होम स्टेट स्टूडेंट के लिए क्या है, तो ओपनिंग रैंक जो है 8942 है और क्लोजिंग रैंक है 16,364, मतलब आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आप झारखंड से हो और सीएससी में अगर एडमिशन चाहिए आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इतना रैंक चाहिए, इससे कम में आपको एडमिशन नहीं होगा। मतलब इससे अगर कम रैंक है, इससे अगर ज्यादा रैंक है, कम रैंक, रैंक में समझ गया ना, उल्टा चलता है, ठीक है। मतलब हाई रैंक वाले मतलब नंबर जिसका कम होता है और लो रैंक वाले जिसका नंबर ज्यादा होता है, रैंक में उल्टा चलता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो, ये 16,364 पे आपको ये क्लोज हो रहा है होम स्टूडेंट के लिए सीएससी, मतलब देख सकते हो अभी भी कट ऑफ इसका मतलब कितना हाई चल रहा है। उसी तरह आईटी का देखो, आईटी जो ओपन हो रहा है ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए 8961 पे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 12,607 पे जाके ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आप देखो कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं होम स्टेट, उनका जो ओपनिंग रैंक है आईटी के लिए वो 15,481 है और जो होम स्टेट के लिए क्लोजिंग रैंक है 21,031 है, उस पे ये क्लोज हो रहा है। मतलब 21,031 आपको इसमें, मतलब ज्यादा अगर रैंक आपका है, इससे अगर आपका रैंक ज्यादा है, मतलब कम है, तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। रैंक इसमें मतलब मैक्सिमम आप इस रैंक तक एडमिशन ले सकते हो, इससे कम रैंक पे आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम 21,000 के अप्रॉक्स अगर आपका रैंक है तो इस कॉलेज में आपको आईटी ब्रांच मिल सकती है। और सीएससी के लिए, होम स्टेट वाले के लिए देख सकते हो 16,364, मतलब लगभग आपको 16,400 के रेंज में आप हो तो आपको ये कॉलेज में, और होम स्टेट से हो तो सीएससी ब्रांच मिल सकती है। अब बात करते हैं ईसी के लिए। देखो, ईसी का जो ओपनिंग रैंक है 11,380 है और क्लोजिंग रैंक जो है 18,502 है ईसी के लिए, ठीक है। उसी तरह ये ऑल इंडिया वाले के लिए था और होम स्टेट वाले के लिए कितना है 19,253 है और क्लोजिंग रैंक कितना है 27,723।
अभी भी देख रहे हो इसका जो कटअप है इस कॉलेज का काफी डिसेंट चल रहा है, मतलब जो रैंक है काफी हाई रैंक रिक्वायर्ड है अभी भी, ठीक है। और इसी तरह ट्रिपल ई के लिए देखो, ट्रिपल ई के लिए ओपनिंग रैंक जो ऑल इंडिया वाले के लिए है वो 13,849 है और क्लोजिंग रैंक कितना है 24,598 पे ये क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं अनरिजर्व में होम स्टेट वाले के लिए। ये अनरिजर्व है ऑल इंडिया और ये होम स्टेट है, तो ये 19,942 चाहिए आपको ट्रिपल ई में ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक जो है 31,620 है, मतलब मैक्सिमम आपको ट्रिपल ई में अगर एडमिशन देना तो मैक्सिमम रैंक आपका इतना होना चाहिए। अगर रैंक इससे आपका कम हुआ तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा आपको, रैंक कम हुआ। अब मैकेनिकल में जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट के लिए जो ओपनिंग है वो 16,381 है और क्लोजिंग जो है 32,921 है, मतलब मैकेनिकल में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए लगभग 16,000 से लेके 32,900 के रेंज में आपका अगर रैंक है तो इस कॉलेज में आपको मैकेनिकल मिल सकता है ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर होम स्टेट से हुआ तो होम स्टेट वाले के लिए है 28,136 पे ओपनिंग हुआ है और क्लोज हुआ है 43,338 पे, मतलब अगर आपका ये रैंक इसके बीच में लाई कर रहा है और इतना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैकेनिकल इस कॉलेज में मिल सकता है। अब सिविल में देखो, सिविल में क्या है, ओपनिंग रैंक जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए 24,396 है और क्लोजिंग जो रैंक है वो 43,166 है, ठीक। इसी तरह होम स्टेट वाले के लिए देखो 33,809 है और जो इसका क्लोजिंग रैंक है 57,203 है सिविल इंजीनियरिंग का। अब देखो ये केमिकल इंजीनियरिंग सीएजी जो है एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में देख लो इसका जो ओपनिंग रैंक है दोनों में, ऑल इंडिया में और होम स्टेट में दोनों में सिविल से ओपनिंग रैंक इसका ज्यादा है बट क्लोजिंग रैंक दोनों का कम है। देखो इसका 24,396 गया है बट इसका 21,377 इसका ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक 50,113 है और इसका कितना था 43,166 था। तो इसका जो ओपनिंग रैंक है केमिकल का वो सिविल से ज्यादा है बट क्लोजिंग रैंक इसका क्या है कम है, क्लोजिंग रैंक इसका क्या है कम है, मतलब ये हाई रैंक पे लो रैंक पे मिल रहा है, लो रैंक पे जाके क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ अनरिजर्व में होम स्टेट वाले के लिए यहाँ पे भी देख सकते हो जो ओपनिंग रैंक है इसका ये कम है और ये इसका जो हाई है और इसका ये कम है, ठीक है। तो ये 32,792 गया है और इसका जो क्लोज हुआ है ये 66,126 पे जाके ये क्लोज हुआ है। उसी तरह देखो प्रोडक्शन का जो कटअप है, प्रोडक्शन में कटअप जो है ओपनिंग जो हुआ था वो बहुत हाई रैंक पे, क्योंकि इसका कारण है सबसे पहले क्या होता है कि जब शुरुआत बच्चा होता है ना तो वो टॉप ब्रांचेस को ये करता है, टॉप ब्रांचेस की तरफ जाता है, जैसे एक दो राउंड तीन राउंड का काउंसलिंग होता है तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा उस ब्रांच की तरफ जाना चाहता है कि जो नियरिंग हो कोर ब्रांचेस का। तो देखो ये मैकेनिकल के नियरिंग है, मैकेनिकल के नियरिंग है, दैट्स वाई इसका जो क्लोजिंग रैंक है देख सकते हो मैकेनिकल के नियरिंग जा रहा है 32,921 है, इसका 35,847 है ऑल इंडिया वाले के लिए, ठीक है। बट इसका जो ओपनिंग रैंक कितना था 29,665 और इसका ओपनिंग रैंक का जो लो होने का कारण है इसका कारण यही है कि शुरुआत में कोई बच्चा जो है सब्सिडियरी ब्रांच में नहीं जाना रहता है, ठीक है, एलाइड ब्रांच में नहीं जाना रहता है, वो चाहता है कि कोर में जैसे जैसे बट वो एक दो राउंड तीन राउंड का काउंसलिंग हो जाता है तो बच्चा चाहता है कि वो ऐसे ब्रांच में जाए जो कोर ब्रांच का के नियर में हो, ठीक है, जो मैकेनिकल के नियरिंग में होता है प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो मैकेनिकल के बराबर है, ठीक। इसी तरह देख सकते हो इसका ओपनिंग रैंक क्या है, ओपनिंग रैंक लो है 40,036 है बट इसका जो क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक मैकेनिकल के बराबर जा रहा है 48,773 होम स्टेट वाले के लिए। यहाँ देख सकते हो मैकेनिकल कितना गया था 43,338 गया था, ठीक है। अब बात करते हैं बीटी और एक और ब्रांच है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी आपको 80,000 रैंक तक इस कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऑल इंडिया से हो, अगर होम स्टेट से हो तो 1,25,000 तक ये आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है और अच्छे ब्रांच है, अभी रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा ब्रांच माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो भी मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बायोटेक वाले का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। दैट्स व्हाई बायोटेक का जो आरएनडी है,
आरएनडी के क्षेत्र में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत मांग है। तो आप अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा ये है आपका रैंक बहुत ज्यादा लो आया है, तो आप इस ब्रांच की तरफ बायोटेक की तरफ जा सकते हो। अब देखो पीपीई प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है। तो इसका जो अनरिजर्व ऑल इंडिया वाले का जो रैंक जाता है 1,20,000 के करीब ये ओपन ये होता है, मिल जाएगा आपको अगर इतना रैंक है आपका। और होम स्टेट वाले के लिए 1,96,000 मतलब 200,000 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। देखिए ये कॉलेज जो इंडिया के टॉप 5 जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है उसमें आता है, ठीक है। और इंडिया का एक ऐसा ये प्राइवेट कॉलेज है जिसको GFTI का टैग मिला हुआ है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का इसको टैग मिला हुआ है। प्राइवेट कॉलेज है फिर भी इसको ये मिला हुआ है, और ये बहुत पुराना कॉलेज है, 1955 का कॉलेज है ये, और इस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा हो इन्फॉर्मेशन तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी और किसी इस टाइप का वीडियो चाहिए और किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग कितना रैंक पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप मेरे कमेंट में आप लिख सकते हो और आप लोग के लिए फिर वो प्रेजेंट किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।